गाइस, तो अभी हम M4 का टोल प्लाजा पे करके हम टोल प्लाजे को क्रॉस किया है हमने, और अब हम यहाँ से M2 के ऊपर लिंक करेंगे। यहाँ से हम M2 को बोथ साइड पे लिंक कर सकते हैं, नॉर्थ साइड पे भी और साउथ साइड पे भी। तो अभी हम क्या कहते हैं इस्लामाबाद वाली साइड पे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे इस्लामाबाद लिंक करेंगे, तो M4 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, M2 होगी। अभी अगर लाहौर जाना हो तो आप यहाँ से लाहौर भी जा सकते हैं, तो फिर वो आपको ये ब्रिज क्रॉस करके उस तरह से लिंक होना पड़ेगा। अभी यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि वो बोर्ड जो लगे हुए हैं, एक लाहौर का बोर्ड है एरो उस तरफ है, और इस्लामाबाद और पिंडी पटियाँ का बोर्ड है जो कि एरो लेफ्ट साइड पे है। अभी हम ये थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, ये देखें लिंक करने लगे हम M2 के ऊपर। M2 जो है सबसे पहली मोटरवे जो थी वो M2 मोटरवे थी, और ये तकरीबन 19 कब थी बनी, सबसे अच्छी मोटरवे यही बनी हुई है, जापानीज़ ने इसको बनाया था, तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था ये, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये अभी हम ये देखिए हम लिंक कर रहे हैं 3 लेन्स, और आप फील करेंगे कि जस्ट साउंड जो टायर्स की साउंड है वो भी डिफरेंट होगी है और चेंज होगी है। तो चलिए अब हम मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद, थोड़ी सी ड्राइव कर लें प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ, तो फिर बात करते हैं। जी गाइस, तो M2 के ऊपर रवा दवा है हम, अभी तक देरा नहीं आया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम नॉर्थ की टूवर्ड्स जैसे जैसे जाते जाएंगे मौसम भी खुशगवार होता जाएगा और ग्रीनरी भी बढ़ती रहेगी। अब हमें ऑलमोस्ट हम जब भेरा आएगा तो हम जो ग्राउंड एरियाज हैं मैदानी इलाका जाते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, फिर पहाड़ी सिलसिले स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक अभी कलर कहाँ आएगा पहले, तो पहाड़ी सिलसिला पे स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम तकरीबन भेरा से पीछे हैं थोड़ा सा, हम भेरा में इस दफ़ा नहीं रुकेंगे, हमेशा हमारा भेरा रुकने का प्लान होता है, लेकिन इस दफ़ा हम करर कहार जाके रुकेंगे, वहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। तो ये हमारा इस दफ़ा प्लान है, तो आप लोग हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह यू विल एंजॉयड अ लॉट एंड यू विल गेट डेफिनेटली सम ऑफ नॉलेज इंशाल्लाह। जी गाइस, तो हम इस वक्त झेलम रिवर क्रॉस कर रहे हैं, वी जस्ट क्रॉस भेरा इंटरचेंज सर्विस एरिया, उसके बाद हम ने झेलम का ये रिवर का जो ब्रिज है ये क्रॉस किया है। सो वी आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स करर कहार, तो अभी आपको बताते चले कि करर कहार में यू आर गोना एंजॉयड अ लॉट, इट्स अ वेरी लवली माउंटेनियस हिलियस प्लेस, और ड्राइव करने का भी अपना मज़ा आता है, और ड्राइव जो है उसकी स्पीड भी बहुत कम होती है। तो मैं आपको क्लिक ऑन करता हूँ कलर कार पहुँच के। जी गाइस, तो हम इस वक्त कलर कार के पहाड़ों को अप्रोच कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि आप लोग कैमरे की आंख से पहाड़ों को देख पा रहे हैं, क्योंकि ये इट्स टू फोगी, पहाड़ काफ़ी ज़्यादा फोगी हैं, लेकिन ये कि इट्स रियली ऑसम, बहुत मज़े का मंजर है पहाड़ों की तरफ अप्रोच करना। हमें ये जो सिलसिला है ये कलर कहार के पहाड़ों का सिलसिला है, बेसिकली साल्ट माइंस हैं ये बड़े बड़े नमक के पहाड़ हैं, इनके अंदर वाफिर मकदार में सॉल्ट है, इनको हमने क्रॉस करना है।
लाइक क्योंकि उस तरफ जाना है हमने, अदर साइड ऑफ दीज माउंटेन्स। तो आप मेरे साथ रहिए, मैं गाए बगाए आपको अभी इसकी वीडियोस और भी बनाता हूँ ऊपर जाने की भी, इंशाल्लाह यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने, स्पीड लिमिट है उस स्पीड लिमिट को नहीं छोड़ना, उसी पे रहना है। अराउंड 40-50 की स्पीड लिमिट है, तो आप देखेंगे कितना प्यारा और खूबसूरत मंजर है। अब शायद आप पहाड़ों को कैमरे की आंख से देख पाएंगे, बहुत ही खूबसूरत। ये देखें एंट्री पॉइंट पे मस्जिद भी है, यहाँ पे आप लोग रेस्ट करें, रेस्ट एरिया बना हुआ है, खूबसूरत सा रेस्ट एरिया है, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, टायर्स चेक कर सकते हैं, उनको की प्रेशर्स को चेक कर सकते हैं, एयर प्रेशर को। देखें गाइस बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। लुक एट द रोड, दिस इज पाकिस्तान। मैं आपको बता
बता रहा था कि ड्राइव करने का इतना सुरूर आ रहा है कि कुछ कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी पुरसकून ड्राइव है और डबली सीन है। देखें आपको सॉल्ट की वजह से, वो सॉल्ट माइंस जो हैं आप देखें कि जो माउंटेन्स हैं वो वाइटिश हुए हुए, कितना सॉल्ट है अंदर, अल्लाह ताला की कुदरत देखें, नेचुरल सॉल्ट, बहुत ही प्यारा खूबसूरत, क्या बात है, क्या बात, माशाअल्लाह। तो गाइस हम कलर कार सर्विस एरिया में जाएंगे, वहाँ पे नमाज पढ़ेंगे असर की, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं आउटसाइड का व्लॉग भी बनाऊंगा गाड़ी से उतर के इंशाल्लाह, तो आप मेरे साथ रहिए। गाइस तो हम इस वक्त कलर कार पहुँच चुके हैं, बहुत ही लवली कूल एंड काम प्लेस है। यहाँ पे हमारा प्लान है कि हम नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला और अजीज, नमाज के बाद फिर देखते हैं हम कि कुछ अगर खाने का प्लान है तो हम खाएंगे भी। तो गाइस कीप इन टच। गाइस हम कलर कार सर्विस एरिया में इस वक्त मौजूद हैं, कूल एंड काम प्लेस है। ढेरा में जिस तरह रश होता है, यहाँ पे रश नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी में खड़ी हुई है और ज़बरदस्त प्लेस है सर, ज़रूरी आएँ आप, इंजॉय करें, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करें, रिलैक्स हों, चिल करें। जी गाइस हम इस्लामाबाद की तरफ रवान दवा ही हैं कि अभी चकरी के पास से हम गुज़र रहे हैं और आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्रीनरी अपने अरूज पर होगी जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाएंगे। तो आप देखिए कि ये M2 है और अभी हम चकरी तकरीबन एग्जिट से 2 किलोमीटर अवे हैं। चकरी के बाद जो है फिर रावलपिंडी एग्जिट आएगा जो कि इस्लामाबाद की तरफ हमें ले जाएगा। तो इट्स वेरी नाइस वेदर, मतलब दिखने में बहुत ही अच्छा वेदर है। अभी बाहर का मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ह्यूमिडिटी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा होगी क्योंकि बादल हैं और बारिश भी हुई है। तो ये मैं आप मेरा दिल किया कि मैं आपको ये भी दिखा दूँ, हम स्वा रिवर के ऊपर से गुजर रहे हैं। यू कैन सी स्वा रिवर अभी खाली ही है, इतनी बारिशें वगैरह नहीं हुई। स्वा रिवर बेसिकली बारिशों से ज़्यादा है। सी यू देन इंशाल्लाह, टोल प्लाजे पर मुलाकात होती है आपसे। जी गाइस तो आप इस पहाड़ को तो जानते ही होंगे, पहचानते ही होंगे, FW सर्विंग द नेशन। FW वालों ने जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी इसकी मोटरवे की, M2 पहले स्टार्ट हुआ था तो तब ये यहाँ पे मेंशन किया थी इन्होंने कि ये पार्ट थे उस कंस्ट्रक्शन का। तो हम ऑलमोस्ट इस्लामाबाद से इस बोर्ड के मुताबिक 38 किलोमीटर अवे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पिंडी टोल प्लाजे में पहुँच जाएंगे। फोगी फोगी सा सीजन सीन है क्योंकि इट्स अराउंड 7 PM, तो ऑलमोस्ट इवनिंग स्टार्ट होने वाली है। क्लाउडी होने की वजह से थोड़ा सा फोगी लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरी लेफ्ट साइड पे अमेजिंग अमेजिंग बहुत ही खूबसूरत इस व्यू को देखने के लिए लोग शायद डेफिनेटली सिंध से आते हैं, कराची से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, साउथ पंजाब से आते हैं। पीपल दे रियली लव इट डेफिनेटली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कितनी नेमतों से नवाजा है। ये टोल प्लाजे पे इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। जी गाइस तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, हम ऑलमोस्ट रावलपिंडी टोल प्लाजा जो कि इस्लामाबाद को भी यूज़ होता है के बिल्कुल करीब हैं। लाइक हम
कुछ ही देर बाद टोल प्लाजे पे से एग्जिट कर लेंगे। ये जो लाइट्स आ गई हैं ये बेसिकली इंडिकेशन है इस चीज़ की कि टोल प्लाजा आने वाला है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जर्नी मेरे साथ रहीम यार खान से लेके पिंडी इस्लामाबाद तक की बहुत एंजॉय किया होगा आपने, और आपके लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी होंगी बीच में। और अगर आप लोग नए हैं और आप ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने नॉर्दर्न एरिया की तरफ ट्रैवल करना है तो यू विल हैव टू ट्रैवल थ्रू इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद में आप पहले आएंगे पिंडी में आएंगे तो यहाँ से आप फिर आप आगे प्लान करेंगे, क्योंकि आगे जितने भी हिली एरियाज हैं मरी है, नॉर्दर्न में अगर आप जाते हैं सवात नारान कगान मालन जब्बा तो वो सब के सब यहीं से होकर राउट गुजरते हैं। तो आप इन रूट्स के ऊपर जाएंगे और डेफिनेटली यू विल गेट मोर एंड मोर, आपको बहुत मज़ा आएगा। पाकिस्तान एक जन्नत है हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। हम पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हमें बहुत नेमतें दी हैं, बहुत नेमतों से नवाजा है, और हम अपने आप को लकी समझते हैं इस मामले में। टोल प्लाजा आ गया, यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे हम इंशाअल्लाह कुछ ही देर में। आपको ये बताता चलूँ कि रहीम यार खान से डिस्टेंस तो मैं नहीं कभी बता सकता, लेकिन टाइम अगर देखा जाए जो जर्नी टाइम है वो कैलकुलेटेड वो ऑलमोस्ट 9 आवर्स है, कि 9 आवर्स में आप एग्जिट कर जाते हैं इस्लामाबाद टोल प्लाजा से। बैलेंस भी यहाँ पे शो होगा, ₹500 चार्ज किए इन्होंने, बल्कि ₹500 का बैलेंस रह गया है। तो गाइज आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको आने वाले वक्तों में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी दिखाऊंगा, और कुछ इंफॉर्मेटिव होंगी, कुछ टेक्निकल होंगी, कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड होंगी। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें। मेरी कोशिश ये होगी कि आपको बोर ना होने दूं और अच्छी से अच्छी वीडियोस को आपके आपके लिए लेके आऊं। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, सो नाइस ऑफ यू, बाय बाय।